नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कोरोना काल, राजनीतिक उठापटक और परिसीमन तथा अन्य कारणों की वजह से नगर पालिकाओं के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव अपने तय समय पर नहीं हो पाए थे। यही वजह है कि जिन नगर निकायों के कार्यकाल समाप्त हो चुके थे, वहां पर प्रशासक की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई थी। इसी मामले में पन्ना के अमानगंज में भी प्रशासक की नियुक्ति की गई है। यहां पर तहसीलदार को नगर परिषद का प्रशासक बनाया गया है। पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा के आदेश के बाद अमानगंज नगर पंचायत के प्रशासक का प्रभार अमानगंज तहसीलदार डॉक्टर अवंतिका तिवारी को सौंपा गया। इस मौके पर डॉक्टर अवंतिका तिवारी ने कहा कि नगर के विकास के प्रति शासन प्रशासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने नगर के बालिग हो चुके युवाओं से अपील की है कि 18 वर्ष के सभी युवक और युवतियां 24 दिसंबर तक अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं और नगर के विकास में सहभागी बने। योजनाएं हैं जो नगर के विकास के लिए प्रशासन ने तय कर रखी है, शासन ने तय कर रखी है। मेरा पूरा विश्वास है कि मैं और CMO महोदय दोनों उसके क्रियान्वयन में अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे और नगर के विकास के लिए जो भी संभव होगा वो उस दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। देखा जा रहा है आगामी दिनों में चुनाव नजदीक है, इसके लिए भी लगातार प्रशासन को प्रशासन मेहनत कर रहा है अपनी तरफ से। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जो भी एहतियात होंगे और जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होंगी चुनाव के लिए वो पूरी तरीके से की जाएंगी।